सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। आज हम इस वीडियो में भारत के संसद, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। इस वीडियो में आपको चार टॉपिक हैं जिनमें भारत की संसद, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के बारे में जो पूरी डिटेल है उनके अनुच्छेद, और लोकसभा में कितने सदस्य हैं, किस राज्य से कितने सदस्य आते हैं, राज्यसभा की कार्यप्रणाली क्या है, राष्ट्रपति के जो शासन हैं, राष्ट्रपति के जो अधिकार हैं उनके बारे में टोटल विवरण से हम यहाँ पढ़ेंगे, पूरी डिटेल यहाँ पे पढ़ेंगे। और इस वीडियो में जो पीछे जो एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं इन चारों टॉपिक में से, उन क्वेश्चनों का यहाँ पे एनालिसिस भी किया गया है, और उसी के बेस पे और आने वाली एग्जाम में जो क्वेश्चन आ सकते हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो पे जो मैटर है इसका कलेक्शन मैंने किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही मोस्ट है। आप इस वीडियो को ध्यान से अवश्य सुने और पूरा इस वीडियो को अवश्य देखें, जिससे कि आप ये जो क्वेश्चन होंगे ये आपके कभी भी गलत नहीं होंगे, ये जो टॉपिक हैं ये बहुत आसानी से आप याद कर लेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं भारत की संसद से। भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ली गई है। कहाँ से ली गई है भारत की संसद प्रणाली? भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ली गई है। भारत की जो संसद है उसका डिटेल अनुच्छेद 79 में है। अनुच्छेद 79 किससे संबंधित है? भारत की संसद से रिलेटेड है अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 81, अब देखिए संसद के तीन डिपार्टमेंट होते हैं, संसद के तीन भाग होते हैं। एक लोकसभा होता है, सेकंड राज्यसभा, और थर्ड नंबर पे आता है राष्ट्रपति, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, इन तीनों के निर्माण से क्या होता है? संसद का निर्माण होता है, यानी कि संसद में इन तीनों का होना बहुत ही नेसेसरी है। लोकसभा जो है वो अनुच्छेद 81 में लोकसभा की पूरी डिटेल है। राज्यसभा है वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 में उसका पूरा डिटेल है, और राष्ट्रपति जो हैं उनकी पूरी डिटेल है। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुलाता है। लोकसभा कौन सा सदन है? लोकसभा निम्न सदन है, और राज्यसभा कौन सा सदन है? उच्च सदन है। राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुलाता है। संसद के सत्र को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, इन तीनों के बनने से क्या होता है? संसद का निर्माण होता है। लोकसभा निम्न सदन है और राज्यसभा क्या है? उच्च सदन है। आप देखिए लोकसभा में राज्यों से 530 निर्वाचित सदस्य जाते हैं, और 13 केंद्र शासित जो राज्य हैं वहां से 13 सदस्य जाते हैं। टोटल जो सदस्य होते हैं लोकसभा में वो 543 होते हैं। अधिकतम चुने हुए कितने सदस्य हो सकते हैं? 543। लोकसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं अधिकतम चुने हुए? 543। वर्तमान में लोकसभा में 545 निर्वाचित सदस्यों की संख्या है, और दो जो सदस्य हैं वो लोकसभा में आंगल भारतीय समुदाय के होते हैं। यानी कि अगर टोटल देखा जाए तो लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? 545, जिनमें से 530 सदस्य राज्यों से निर्वाचित होते हैं, 13 केंद्र शासित से होते हैं, और टोटल होते हैं 543 अधिकतम हो सकते हैं, और दो आंगल भारतीय समुदाय के सदस्य हो सकते हैं। तो इस प्रकार से वर्तमान में 545 सदस्य हैं लोकसभा में। लोकसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 545। और जो अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है लोकसभा की वो होती है 552। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जो डिफरेंस है इसके ऊपर बहुत सी बार क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में, कि वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 545, और अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं लोकसभा में? 552। अब हम बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा में राज्यों से निर्वाचित होते हैं 530, और अधिकतम चुने जा सकते हैं 550।
और दो अंगल भारतीय समुदाय के सदस्य होते हैं और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित सदस्य होते हैं। राज्यसभा में 229 सदस्य राज्यों से हो सकते हैं। अलग अलग जो राज्य हैं, जैसे भारत में 29 राज्य हैं, उनमें से टोटल सदस्य कितने हो सकते हैं निर्वाचित? 229 सदस्य राज्यों से हो सकते हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश से हो सकते हैं। जो अधिकतम जो चुनाव की जो संख्या होती है राज्यसभा में, वो 233 सदस्य हो सकती है। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 233। और इसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत भी हो सकते हैं। अगर इनकी टोटल संख्या की बात की जाए वर्तमान में, तो वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है 245। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है और जो अधिकतम जो सदस्य हैं राज्यसभा के, वो 250 सदस्य यानी कि 250 सदस्य हो सकते हैं राज्यसभा के। तो इस प्रकार से लोकसभा और राज्यसभा का गठन होता है और उसमें सदस्यों की संख्या होती है कि कुछ सदस्य राज्यों से चुन के आते हैं और कुछ सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से चुन के आते हैं। और 2 सदस्य लोकसभा में आंगल भारतीय होते हैं, बल्कि 12 सदस्य राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं। ये जो 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये अलग अलग क्षेत्र से हो सकते हैं, जैसे शिक्षा के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से और विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र से, आदि अलग अलग क्षेत्रों से ये हो सकते हैं। जैसे अभी सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया है, तो वो खेल से रिलेटेड हैं। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं अलग अलग क्षेत्रों से, और टोटल इनकी संख्या वर्तमान में है 245 और अधिकतम इनकी संख्या हो सकती है 250 सदस्य। अब देखिए लोकसभा के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, लोकसभा के बारे में टोटल डिटेल कि लोकसभा की कार्य प्रणाली कैसे है। तो लोकसभा जो है ये संसद का निम्न सदन होता है। लोकसभा कौन सा सदन होता है? संसद का निम्न सदन होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यानी कि जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो उनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा किया जाता है। प्रत्यक्ष जो चुनाव है उसके माध्यम से लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। लोकसभा में सदस्य एवं उपाध्यक्ष होते हैं जिनकी नियुक्ति लोकसभा के सदस्य द्वारा की जाती है, यानी कि लोकसभा में एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है, जिसकी नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा के सदस्य करते हैं। यहाँ पे देखिए पूरा डायग्राम दिखाया गया है, चित्र दिखाया गया है लोकसभा का। लोकसभा का अध्यक्ष ही राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। यहाँ ये बात ध्यान देने की है कि लोकसभा का अध्यक्ष ही राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है, यानी कि सत्र बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है, बट इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। राष्ट्रपति खाली उसका संयुक्त सत्र बुला सकता है, बट अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष का जो सदस्य निर्वाचित होके जाता है, चुन के जाता है, उसकी योग्यता क्या क्या है? कि यह भारत का नागरिक हो और इसकी न्यूनतम जो आयु है वो 25 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि जो कैंडिडेट भारत का नागरिक हो और जिसकी 25 साल की एज हो वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हो सकता है, लोकसभा का सदस्य चुना जा सकता है, या फिर वो लोकसभा के चुनाव में MP के चुनाव में भाग ले सकता है। सदन की कार्रवाई के लिए न्यूनतम 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए, चाहे राज्यसभा हो, इसे गणपूर्ति कहते हैं। देखिए यहाँ गणपूर्ति का मतलब होता है कि जितने भी सदस्य हैं लोकसभा या राज्यसभा के, टोटल जो सदस्य हैं वर्तमान में, उनका 10% यानी कि उसका 10वां भाग उपस्थित होना चाहिए कोई भी विधेयक पारित होने में या सदन की कार्यवाही के लिए। यानी कि जैसे संसद का जो सत्र बुलाया जाता है, जैसे अभी शीतकालीन सत्र होगा, तो शीतकालीन सत्र के लिए जो टोटल जो संख्या है उसका 1/10 भाग MP वहाँ प्रेजेंट होने नेसेसरी होता है, तभी सदन की कार्रवाई स्टार्ट की जा सकती है। और पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष मीरा कुमार जी थे और पहले अध्यक्ष GV मावलकर थे और वर्तमान में सुमित्रा महाजन लोकसभा का
अध्यक्ष हैं। वर्तमान में कौन है अध्यक्ष? सुमित्रा महाजन। अब देखिए, जब लोकसभा बुलाई जाती है, संसद का सत्र शुरू होता है, तो उसमें शून्यकाल एक समय होता है। तो शून्यकाल क्या होता है? संसद के प्रश्नकाल और कार्य सूची के मध्य का समय शून्यकाल कहलाता है। अच्छा क्वेश्चन है ये। संसद के प्रश्नकाल और कार्य सूची के मध्य का समय क्या कहलाता है? शून्यकाल कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में कि राज्यसभा क्या है और राज्यसभा की कार्यवाही कैसे होती है, कार्य प्रणाली कैसे है। तो राज्यसभा ये सदन का, संसद का उच्च सदन होता है। कौन सा सदन होता है? उच्च सदन होता है। राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा की जाती है। राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा की जाती है। प्रत्येक दो वर्षों में 1/3 सदस्य सेवा नियुक्त हो जाते हैं और नए सदस्य आते हैं, अतः राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। जैसे लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। उसके बाद में लोकसभा की कार्यवाही को भंग कर दिया जाता है 5 साल के बाद में, और राष्ट्रपति को चुनाव के लिए बॉन्डेड किया जाता है कि वो चुनाव की घोषणा करें। यदि लगता है कि अभी चुनाव नहीं किया जा सकता तो वो एक अलग कंडीशन होती है कि उसका टाइम अवधि बढ़ा दी जाती है, जैसे 6 महीने के बाद में, या फिर दोबारा 6 महीने बढ़ा के वो 12 महीने का उसका ड्यूरेशन कर सकते हैं। लेकिन कार्य जो प्रणाली जो उसकी होती है, अवधि जो होती है, वो 5 वर्ष की ही होती है संसद की। लेकिन राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, यानी कि ये रेगुलर चलती रहती है। लेकिन इसके जो सदस्य होते हैं वो 1/3 सदस्य हर 2 वर्षों में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी कि अध्यक्ष होता है। अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत सी बार एग्जाम में आ भी चुका है कि राज्यसभा का पदेन सभापति या अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। राज्यसभा के उपसभापति को अपने में से राज्यसभा के सदस्य चुनने होते हैं। अब राज्यसभा की योग्यता देखिए कि राज्यसभा में जो सदस्य चुना जाता है या जो सदस्य निर्वाचित होता है, राज्यसभा का सदस्य बनता है, उसमें क्या क्या योग्यता होनी चाहिए कि वो राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। तो राज्यसभा के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए और इसकी जो न्यूनतम आयु है यह 30 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष है, लेकिन राज्यसभा सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो कितनी है? 30 वर्ष होती है। और राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत सी बार एग्जाम में आ चुके हैं और आने वाली एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आएंगे। आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखते रहिए क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत अच्छे मोस्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ जो हर एग्जाम में आपको मिलेंगे। पहले सभापति कौन थे? पहले सभापति थे राधाकृष्णन। पहले उपसभापति कौन थे? कृष्णमूर्ति राव। और वर्तमान में कौन है? वेंकैया नायडू उपसभापति हैं, सभापति हैं। संसद की कुछ समितियां भी होती हैं। संसद में की जो कार्य प्रणाली जो होती है वो अनेक समितियों से बनी हुई होती है, यानी कि वो जो समितियां हैं वो संसद और राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के बीच में जो कार्यकाल है, जो उनकी वर्किंग मेथड है, उसको सामंजस्य की स्थिति में बैठाने के लिए उनकी कुछ समितियां होती हैं जो उनका अलग अलग रोल प्ले करती हैं। वो अलग अलग उनका कार्य प्रणाली होती है, अलग अलग उनका काम होता है। कि जैसे लोक लेखा समिति है उसका अलग काम होता है, नियम समिति है वो उसका अलग काम होता है, विशेषाधिकार जो समिति होती है उसका अलग काम होता है, और तदर्थ जो समिति होती है उसका अलग काम होता है। तो ये अलग अलग समितियाँ होती हैं, लेकिन ये जो तीनों जो चार जो समितियाँ हैं ये महत्वपूर्ण है। ये चीज़ अपन पढ़ चुके हैं कि पहले सभापति राधाकृष्णन थे और उपसभापति कृष्णमूर्ति राव थे और वर्तमान में वेंकैया नायडू हैं। लोक सेवा जो समिति है, लोक सेवा आयोग जो समिति है, उसमें कुल सदस्य 22 होते हैं। और इसमें लोक आयोग समिति में जो टोटल जो 22 सदस्य होते हैं, इसमें से 15 सदस्य लोकसभा के होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। 15 सदस्य तो लिए जाते हैं लोकसभा से और 7 सदस्य लिए जाते हैं राज्यसभा से। इस प्रकार से कुल टोटल 22 सदस्य होते हैं लोक सेवा आयोग समिति में।
इसका जो अध्यक्ष होता है लोक सेवा आयोग समिति का, वो विपक्ष का नेता होता है। और लोक सेवा आयोग समिति का काम क्या होता है कि मंत्रालयों के व्यय और कैग की रिपोर्ट पे विचार विमर्श करना। यानी कि जैसे भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालय हैं, जैसे शिक्षा मंत्रालय है, रेलवे मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय है, तो इनका जो खर्च होता है, ये जो डेवलपमेंट के ऊपर जो पैसा खर्च करते हैं, उसको उनकी उसकी मॉनिटरिंग करना, उसको ऑडिट करना, ये कौन सी समिति का काम होता है? लोक सेवा आयोग समिति का काम होता है। कि और उनका अध्यक्ष कौन होता है? विपक्ष का नेता होता है, जिससे उसको मॉनिटरिंग कर पाए कि पैसा सही जगह लग रहा है या गलत जगह लग रहा है। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया था। सभा के विचार और औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या होता है? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन आयोग के तहत भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था। पुनर्गठित संविधान सभा में देसी रियायतों के लिए कितने प्रतिनिधि चुने गए थे? 70। और पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 229 प्रतिनिधि थे, जो विभिन्न प्रांतों से चुने गए थे। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? पश्चिमी बंगाल से। यानी कि भीमराव अंबेडकर जो थे वो पश्चिमी बंगाल से बिलोंग करते थे, और उन्होंने संविधान सभा का जो निर्वाचित हुए थे वो तो पश्चिमी बंगाल से ही निर्वाचित हुए थे। संविधान सभा में किस देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद जो रियासत थी उसने संविधान सभा में अपना भाग नहीं लिया था, अपना प्रतिनिधित्व नहीं किया था। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सचिनानंद सिन्हा जी ने संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र बुलाया गया था। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भीमराव अंबेडकर को। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भीमराव अंबेडकर को। और भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1947 को एक अधिनियम पारित किया गया था। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया था? 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान का हस्ताक्षर किए थे? 284 सदस्यों ने संविधान पे हस्ताक्षर किए थे। और भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। भारतीय संविधान सभा की संघीय समिति शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारतीय संविधान सभा के संघीय समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? सहमति और समायोजन के आधार पर सभी निर्णय लिए गए थे। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? सचिनानंद सिन्हा जी। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। संविधान सभा का प्रथम जो अधिवेशन वो था वो कहाँ पे आयोजित किया गया था? दिल्ली में। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? स्विक प्रांत का। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने ये टोटल डिटेल पढ़ी भारत की संसद के बारे में, लोकसभा के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा है, राज्यसभा और राष्ट्रपति के बारे में। आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और घंटे के निशान पर क्लिक अवश्य करें, जिससे आने वाला हमारा नया वीडियो आप तक समय पर पहुंच पाए और आप बहुत अच्छी नॉलेज आप प्राप्त कर पाए, अच्छे नोट्स और अच्छी जो क्वेश्चन है वो आप तक समय पर पहुंच पाए। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।